नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों की मुलाकात भारत के उन तीस लोगों से करवाऊंगा जो वास्तविक तौर पर इस देश को चला रहे हैं दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ दूर दूर तक कोई भी राज्य कैबिनेट मंत्री तो नहीं होगा शायद जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो से मोदी मंत्रिमंडल दो से अवगत होंगे जो जे एवं एस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों इस सूची में हम सबसे पहला नाम देखेंगे अर्जुन राम मेघवाल यह चर्चा में रहे हाल ही में क्योंकि इन्हें कानून और न्याय मंत्री हाल ही में सौंपा गया है तो सबसे पहले हमारा नाम क्या रहा अर्जुन राम मेघवाल दूसरे मंत्री हम देखेंगे किरण रिजिजू इन्हें पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय दिया गया इससे पहले यह कानून और न्याय मंत्री थे यह दो नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हाल ही में अपडेट किए गए हैं तीसरा इस सूची में जो नाम है वह है धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है तीन नाम हो गए चौथा है आपके समक्ष निर्मला सीतारामन यह है भारत की वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामले की मंत्री नेक्स्ट नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत यह है जल शक्ति मंत्री नेक्स्ट है मनसुख मांडिया यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ रसायन उर्वरक मंत्री भी हैं नेक्स्ट है, है अश्विनी वैष्णव यह रेल मंत्री संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं नेक्स्ट हमारे समक्ष नाम है नीतीश जयराम गडकरी यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नेक्स्ट है हमारे समझ राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यह विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर के नाम से काफ़ी यह न्यूज़ मीडिया में पॉपुलर रहते हैं नेक्स्ट ग्यारहवा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर यह कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं ठीक है नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव यह हैं पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्री नेक्स्ट हमारे समझ जो नाम है वह है पीयूष गोयल पीयूष गोयल दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं खाद और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री जो है हमारे पीयूष गोयल साहब हैं तो यह नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट चौदहवें मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर यह जो है सूचना प्रसारण मंत्री के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री हैं यह भी काफ़ी पॉपुलर रहते हैं नेक्स्ट पंद्रहवें जो मंत्री हैं हमारे वह है राजकुमार सिंह और यह है विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री दोस्तों इस तरह से लाइन से आपको इसलिए सारे मंत्रियों के नाम और उसके मंत्रालय बताए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जो है आपको समझ आए कि प्रधानमंत्री के अलावा भी और मंत्रियाँ होते हैं और भी लोग होते हैं काम करने को ठीक है नेक्स्ट हमारे समय सोलहवें जो मंत्री हैं वह है, है स्मृति जुबिन ईरानी यह महिला एवं बाल विकास मंत्री और अभी इनके पास जो है अतिरिक्त प्रभार है अल्पसंख्यक मामले की आई होप कि मैंने आपको अभी अभी बताया होगा कि हमारे विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री जो है राजकुमार सिंह है ठीक है नेक्स्ट सत्रहवें हैं नारायण तातू राणे यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे समझ हैं हरदीप सिंह पुरी हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री नेक्स्ट उन्नीसवें हैं सर्बानंद सोनेवाल ठीक है सर्बानंद सोनोवाल इनके पास जो है पोर्ट बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के साथ साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं नेक्स्ट है बिषमा गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह दोस्तों ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं नेक्स्ट इक्कीसवें हैं ज्योतिरा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया यह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इनके पास अभी अतिरिक्त प्रभार है इस्पात मंत्री का ठीक है नेक्स्ट है बाईसवें महेंद्र नाथ पांडे इनके समझ भारी उद्योग मंत्री हैं ठीक है नेक्स्ट तेईसवें हैं पशुपति कुमार पारस इनके समझ है खाद्य प्रसरण और उद्योग मंत्री हैं ये उद्योग मंत्री हैं ठीक है नेक्स्ट चौबीसवां हैं पुरुषोत्तम रूपाला यह मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं नेक्स्ट है, है वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार जो हैं वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं नेक्स्ट हैं 26वां प्रहलाद जोशी प्रहलाद दोस्ती जोशी क्या है दोस्तों तो संसदीय कार्य मंत्री कोयला मंत्री और खान मंत्री ठीक है सलमान खान वाला खान नहीं खान वाला खान ठीक है नेक्स्ट है सताईसवें जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जो है वह किशन जी किशन रेड्डी है नेक्स्ट है अट्ठाईसवें हमारे अर्जुन मुंडा हमारे झारखंड राज्य से जनजातीय मामलों के मंत्री हैं वर्तमान में भारत सरकार कैबिनेट में और नेक्स्ट है अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारे भारत के और नेक्स्ट है तीसवें हमारे जो है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री हैं उसके अलावा ऊर्जा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है दोस्तों आई होप कि वीडियो में यहाँ तक अगर आप बने रहें तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप सभी इस बात से अब तक अवगत हो चुके होंगे कि एक्सरसाइज कांस्टेबल अर्थात झारखंड उत्पाद सिपाही का भर्ती आ चुका है और जब तक यह वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश होगा आई होप कि झारखंड सचिवालय का भी नोटिफिकेशन आ चुका होगा और दोनों या दोनों परीक्षा हो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए संपूर्ण कोटा और झारखंड जी के जो है हमारे यूट्यूब के साथ साथ ऐप पे पढ़ा दी गई है अगर आपको उनके लिंक या प्ले लिस्ट चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में भिजिट करिए वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दी गई होगी साथ ही साथ मैं बता दूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पे या ट्विटर पर इस सेम यूजर नेम एस बी अंडर सुभाष वर्मा से मुझे ढूंढ सकते हैं आप पेज फॉर ये स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सारे कोर्सेज पढ़ने के लिए ठीक है अंततः इस वीडियो में यहाँ तक बने लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा जाद से ज़्यादा शेयर दें यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें क्योंकि यहाँ पे जेपीएससी जे एस एस सी का फिलहाल तैयारी कराया जा रहा है आगे चल के एस एस सी और यू पी एस सी का भी तैयारी कराया जाएगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत जो झारखंड